आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आपका स्वागत है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग शामिल रहे और दूसरे लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी और चूंकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समय के अभाव में शायद हमें बात रखने का मौका नहीं मिल पाया और इसको लेकर हमने कल ही प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें हमने आग्रह भी किया था कि हमें कुछ समय दिया जाए बोलने के लिए और अगर कतिपय कारणों से समय नहीं निकलता है या समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे स्थिति में हमारे इस पत्र को आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनाया जाए। और जो हमने पत्र लिखा है वो पत्र हूबहू हमारे साइट पर, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां आपको उपलब्ध होगा। उसका कुछ सार मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जो हमने मुख्य बिंदु उस पत्र में लिखा है। चर्चाएं सभी राज्यों ने किया, सभी मौजूदा बदलते हालात पर भी लोगों ने बातों को रखा। हमने जो पत्र लिखा है उसमें मूल रूप से जो हमने रेखांकित किया है कि झारखंड राज्य को भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा या देश को दिया जा रहा दिशा निर्देशों को अनुपालन करने में लगता है कि हमें इसकी सजा मिल रही है। हम झारखंडियों को इसका सजा मिल रहा है, वो आपको आपके मन में सवाल होगा वो कैसे। आपको मालूम होगा हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के विभिन्न राज्यों में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, विभिन्न राज्यों में हमारे बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मजदूर फंसे पड़े हैं और हम उनको लाना भी चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जो आदेश निर्गत हुआ है कि 3 मई तक अंतर राज्यों की आवागमन में पूरी तरीके से रोक है और उसमें जो भी उल्लंघन करेगा उस पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से हमें भारत सरकार का निर्देश है। हमने उन्हें पत्र के माध्यम से कहा है केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इस रोक के कारण हम बड़े पैमाने पर
फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को वापस नहीं ला पा रहे हैं, जबकि कुछ राज्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी कर रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन है। मैं थोड़ा सा इससे परेशान हूं, आखिर ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार मौन क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। और अंतर्राज्यीय आवागमन भी हो रहा है, जो लगभग आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के चैनलों के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है, खबरों में छप भी रही है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि प्रवासी मजदूरों को, विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं को अपना घर वापस जाने देना चाहिए, तो मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि ये तो सरासर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा। हमने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अपने बल पर इतने बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न राज्यों में, चाहे वो कोटा हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो या और भी राज्यों में फंसे छात्र छात्राओं मजदूरों को लाने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। अतः केंद्र सरकार एक तो पहले अपने आदेश को बदले ताकि हम वैधानिक तरीके से मजदूर छात्र छात्राओं को लाने का काम कर सकें, और हम कानून तोड़कर यह काम नहीं करना चाहते हैं, हमारा यही एक उद्देश्य। दूसरी बात हमने कही है कि केंद्र सरकार ये भी तय करे और ये भी बताए जो बाहर फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को किस प्रकार झारखंड वापस लाया जा सकता है। कोई असम में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कोटा में है, कोई राजस्थान में है, कोई उड़ीसा में है, ऐसे अनेकों जगह किस तरीके से चीज़ों को हम ला सकते हैं। और हमने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हम करेंगे तथा उनके स्तर से इंटर स्टेट मूवमेंट पर लगाए गए रोक समाप्त करने संबंधी संबंधित आदेश निर्गत होने का इंतजार भी हम करेंगे। अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं आता है तो हम अन्य विकल्पों का भी हम सहारा लेंगे ताकि उन लोगों को हम अपने राज्य में ला सकें। ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आपको मालूम है कि राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है,
लेकिन इससे घबराने और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हम अधिक से अधिक संख्या ढूंढ पाएं ताकि हम इस संक्रमण को पहचान कर बचाव के रास्ते निकाल पाएं। आज इसलिए सरकार की व्यवस्था ने इस संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढने में जो गति दिखाई है, जो पहचान करने का काम किया गया है, ये राज्य सरकार के लिए काफ़ी मतलब कहा जाए अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक बात है। और हमारी ये चिंता है कि जल्द से जल्द राज्य के हर कोने से ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो लोग संक्रमित हैं, तथा उन्हें समुदाय से अलग रह करके उनके लिए उचित इलाज की व्यवस्था उनके लिए किया जा सके। आज इस संक्रमण को रोकने के लिए हमने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। पहला फैसला वो यह है कि दो दिन पहले जो भारत सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देने की कुछ श्रेणी की दुकान खोलने का जो निर्देश दिया है, हमने उसे लागू नहीं करने का फैसला लिया है। जिस तरीके से संक्रमण हमारे यहाँ, जिस तरीके से संक्रमित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ऐसे स्थिति में 3 मई तक राज्य के किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार के इस रियायत के आलोक में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाज़त या अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूर्व में जो खुली रही दुकान वो खुलती रहेंगी। दूसरा, आज हमने जो विशेष रूप से राज्य के अंदर सबसे चर्चित क्षेत्र रहा है पूरे राज्य के अंदर में, हिंदपीढ़ी को लेकर तमाम कोशिशों के बावजूद हमने यह पाया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंदपीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंदपीढ़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंदपीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डालना है। आप लोगों से आग्रह है, हमारे तरफ से हिंदपीढ़ी के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। अभी संक्रमण का समय है, सरकार पूरी लगन के साथ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के संक्रमण की स्थिति को जांचने परखने के लिए जांच दल जा रही है लगातार। दिन रात कर्मचारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्स लगातार आपके इन क्षेत्रों को कोरोना मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और ऐसी हालात में आप इधर उधर जा कर के और भी लोगों को संक्रमित कर और भी जगहों को के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, कृपया ऐसा ना होने दें। आज ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा।
और वहाँ पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण में से लड़ सकते हैं। अब पूरी तरीके से ये रोक लग जाएगा। और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितने भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सारी चीज सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को आदेश दे दिया जा चुका है, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया जा चुका है। हमने राज्य के अफसरों को यह भी आदेश दिया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में अभी संक्रमण नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया है संदिग्ध संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नज़दीकी निगरानी रखी जाए तथा उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कार्य को तेजी किया जाए। 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने से पूर्व लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उसकी समीक्षा कर हम झारखंड की स्थिति के आलोक में करेंगे, तदनुसार आवश्यक निर्णय हम लोग लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जानी है। यह जरूरी है कि लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों की आय सुनिश्चित हो, वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। आज प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट लॉकडाउन के हालात में क्या आवश्यक सुधार किए जाए की चर्चा पर भी बल दिया है। उनका आशय संभवतः उन आर्थिक सुधारों को लेकर है जिस देश में आर्थिक गतिविधियों को बल मिल सके, लेकिन इस काम में यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि ये सुधार देश के गरीब किसानों के हित में हो। गरीब किसानों एवं मजदूरों की आमदनी बढ़ाने वाले हर आर्थिक सुधारों का हमारी सरकार समर्थन करेगी। धन्यवाद। सर, ये जो सीआरपीएफ है, ये सिर्फ हिंदपीढ़ी में ही नहीं है, पूरे रांची शहर में, क्योंकि डीजीपी ने पूरे रांची की बात की थी। देखिए, अब लगभग पूरा रांची और जिलों की अपेक्षा ज़्यादा चौक चौक करने के साथ बंद किए जाएंगे, जहां मुख्य रूप से हिंदपीढ़ी तो पूरा का पूरा अब सीआरपीएफ के जिम्मे में रहेगा। आवश्यकता अनुसार सीआरपीएफ की जहां उपलब्धता महसूस होगी रांची जिले के अंदर, वहां उनका सहयोग लिया जाएगा। देखिए, लॉकडाउन का आदेश स्पीकर ने नहीं दिया है, ये भारत सरकार ने दिया है और भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन राज्य सरकार कर रही है। आज नियमानुसार
बिना उस आदेश को बदले मैं समझता हूं ये कार्य करना केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना है। देखिए वो भारत सरकार का विषय है, हम इस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमने कल ही इस विषय पर पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है और उस पत्र को आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा मानते हुए हमने उनको पत्र लिखा है, जो पत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा और इस विषय पर हमने मार्गदर्शन मांगा है। और वो ये भी जानते हैं कि कई राज्य ये काम कर रहे हैं उसके बावजूद केंद्र सरकार मौन है, आखिर क्यों? आखिर क्यों? आप उधर से भी जानने का प्रयास कीजिए। हम अगर ऐसे ही सब चुपचाप चलेगा तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग जो इस तरीके से हो रहे हैं ये कानून का, केंद्र सरकार का दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और इसके लिए और भी फोरम है, हम लोग उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा है कि हम दूसरे विकल्प का भी हम सहारा ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो कल हम कोर्ट भी जाएंगे। सर आपने कहा कि इन से लोग बाहर गए, संक्रमण फैला, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन सर इन पीढ़ी को अगर छोड़ दिया जाए, उस हॉट स्पॉट को छोड़ दिया जाए, सदर अस्पताल से जो नर्सिंग स्टाफ को संक्रमित पाई गई, सर कहीं ना कहीं इसे झूठ तो मानते हैं आप स्वास्थ्य मंत्री? मित्रों थोड़ा सा आप बात को इस तरीके से लीजिए कि आप अगर कहीं बाल कटाते हैं तो बाल का टुकड़ा आपके शर्ट पे नहीं लगेगा, ऐसा संभव है? आज ये ऐसी चीज है, आज वहाँ लोगों को इलाज नहीं भी किया जाए ये भी मानवता का खिलाफ। आज एन केन प्रकारेन पूरे राज्य की निगाहें और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था आज पूरी तरीके के सरकार के कंधे पर है। आज जिस तरीके से चीज़ें आप देख रहे हैं इतना आसान नहीं है। आज हमारे स्वास्थ्यकर्मी अपने जान जोखिम में डालकर ये कार्य कर रहे हैं। आज आपको ऐसी स्थिति पर ऐसी चीज़ों को हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि आज पूरा रिस्क के साथ लोग काम कर रहे हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं। आज कुछ ना कुछ ऐसी छिटपिट चीज़ें होंगी ज़रूर जहां लोग नहीं बताते हैं कि मैं संक्रमित हूं और वहां उसका इलाज होता है, इलाज करके चले जाते हैं, पता चला वो संक्रमित निकले और पता चला जो उनका इलाज किया वो भी संक्रमित हो गए। ये तो एक कहा जाए कि ये एक इसको हम कैसे कह सकते हैं ये आप लोग खुद भी अपने स्तर से इसका आकलन कीजिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे स्थिति पे जो लोग हमारे स्वास्थ्य सेवा पर विश्वास रखते हैं मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। जांच के दायरा में बिल्कुल बिल्कुल जांच की व्यवस्था, जांच जितना अधिक हो सके हमारा प्रयास है। राज्य का 3.25 करोड़ अगर जनता है तो 3.25 करोड़ जनता हो का जांच हो ये प्रयास।